हिमाचल का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री अनुराग ठाकुर जी राज्य मंत्री से अपने योग्यता के कारण बहुत थोड़े समय में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। ये हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है और पहली बार आ रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल, पूरा हिमाचल उनका स्वागत कर रहा है। तो पूरे प्रदेश में ये रैली जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 2022 का मिशन रिपीट माना जा सकता है। ऐसा नहीं, 2022 तो सबके सामने है, उनके हमारे विरोधियों के सामने, हमारे सामने भी है, लेकिन ये एक विशेष कार्यक्रम जो है पूरे देश में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के पास जा रहे हैं। तो शांता जी, ये आशीर्वाद यात्रा जो निकाली गई है ये वर्ष 2022 को दृष्टिगत रख के निकाली गई है या लोकसभा चुनाव में? नहीं नहीं, किसी को दृष्टिगत रख कर हमने जो काम किए उनके आधार पर हम जनता के पास जाना चाहते थे और नया मंत्रिमंडल बना था, नए मंत्री आए थे, उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जनता के साथ, इसलिए पार्टी के, और पार्टी के कार्यक्रम तो बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं। इन्हें चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? राजनीति है काहे के लिए, चुनाव तो होता ही है सामने, लेकिन केवल उस कारण नहीं है। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय शांता कुमार जी से आशीर्वाद भी लेने का अवसर मिला, तो वहाँ पर जहाँ पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना स्वयं शांता जी ने यहाँ पर करवाई है, मेरे लिए इससे सौभाग्य क्या हो सकता है किसी भी युवा के लिए कि जो भाजपा की तरफ से हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने भाजपा की ओर से और प्रदेश का विकास करवाया, अंत्योदय की योजना भी चलाई, उनसे आज आशीर्वाद लेकर आगे काम करने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात भी है, गर्व की बात भी है, और मुझे तो इसलिए बड़ी बात है कि परिवार के भी और संगठन के भी हमारे सीनियर ने, बुजुर्ग ने, वरिष्ठ ने आकर आशीर्वाद दिया है, मैं सदा इनका आभारी रहूँगा। पहले भी लगातार मार्गदर्शन करते थे और जहाँ पर गलती होती थी वहाँ बताते भी थे, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद वैसे ही मिलता रहेगा।